ओके गाइज, वंस अगेन वेलकम इन माई वन ऑफ द न्यू वीडियोज एंड दैट इज अबाउट क्लास 8. द चैप्टर इज ट्रांजिटिव एंड इन ट्रांजिटिव वर्ब. इन ट्रांजिटिव वर्ब. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड a chapter that is named as transitive and intransitive verb. Okay, so first we will come to know that what is transitive and intransitive verb. We will see the explanation, we will see the rules. मतलब चल छोड़ो, हम लोग transitive verb और intransitive verb के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं transitive verb होता क्या है, intransitive verb होता क्या है, कैसे ये apply होता है, कैसे इसका application होता है. सबसे पहले हम लोग transitive verb और intransitive verb का जरा सा थोड़ा सा definition देख लेते हैं ताकि हम लोगों को इसका कंटेंट पता चल जाए. जैसे कि नाम से बहुत क्लियर है आप लोगों का कि ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि ये जो कुछ भी है वो वर्ब से रिलेटेड है, यानी कि ये जो भी है एक वर्ब है, वर्ब के अलावा कुछ नहीं. यानी कि हम लोगों को इसमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है वर्ब के बारे में. किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, तो वर्ब के बारे में पढ़ना है. तो चलिए देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब सबसे पहले होता क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्या रूल होता है ट्रांजिटिव वर्ब का. चलिए देखते हैं. अब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट इन डायरेक्ट फॉर्म A verb that requires an object in direct form is called transitive verb. तो transitive verb जो होता है वो क्या होता है भाई, a verb that requires an object in direct form. Remember, याद रखना कि ट्रांजिटिव वर्ब और इन ट्रांजिटिव वर्ब दोनों में ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन अंतर ये होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट फॉर्म में लेता है. यानी कि जहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वहीं पे ट्रांजिटिव वर्ब होगा, जहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा वहाँ पे ट्रांजिटिव नहीं होगा, वहाँ पे इन ट्रांजिटिव वर्ब होगा. ओके, अब हम लोग पहले देख लेते हैं डायरेक्ट वर्ब कैसा होता है, सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा होता है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानना सीखेंगे. पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब का एक एग्जांपल ले लेते हैं. I am writing a letter. Okay, देखो I am writing a letter, हमारा verb ये हो गया writing. ओके, अब क्वेश्चन ये है कि ये राइटिंग ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है. तो इसका सिंपल सा बात है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो आपको पता ही है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, यानी कि ऑब्जेक्ट लेता है वो डायरेक्ट फॉर्म में होता है. तो हम लोग को चेक करना है कि ये दिया गया जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या नहीं है. तो हम लोग बस एक सिंपल सा रूल अप्लाई करेंगे. देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब से कुछ इस ढंग से कनेक्ट होता है कि अगर आप वर्ब से क्वेश्चन करोगे तो ये वो या तो आंसर व्हाट में देगा या तो हु में आंसर देगा. तो देखो, आई एम राइटिंग व्हाट आ गया ना, व्हाट, तो इसका मतलब हो गया कि ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. चूंकि व्हाट आ रहा है तो व्हाट आ रहा है, चूंकि व्हाट आ रहा है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और चूंकि ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है. क्लियर हो गया. तो जहां पे एक वर्ब होगा और उस वर्ब के साथ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो ऐसी स्थिति में ये एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा. और अगर ऐसा हुआ कि अगर वर्ब दिया हुआ है और वर्ब के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो वो इस स्थिति में ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा. जैसे एग्जांपल एक और हम ले लेते हैं. आई एम बीटिंग मोहन. अब हो गया आई एम बीटिंग मोहन. अब हुम, अब ये आ गया ना आई एम बीटिंग हुम, तो ये हो गया मोहन, यानी कि ये है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बीटिंग है आपका ट्रांजिटिव वर्ब.
क्लियर हो गया ट्रांसलेटिव वर्ब। आई होप कि सॉरी ट्रांसलेटिव वर्ब क्लियर हो गया होगा। ट्रांसलेटिव वर्ब हम लोग देख लिए कि होता क्या है। तो सिंपली ट्रांसलेटिव वर्ब या इनट्रांसलेटिव वर्ब, ये है वर्ब का एक ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन। कैसा रिलेशन? तो वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ रहा है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ रहा है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ रहा है तो वो ट्रांसलेटिव वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ अगर जुड़ रहा है तो वो इनट्रांसलेटिव वर्ब। चलिए अब इनट्रांसलेटिव वर्ब का डेफिनेशन देखते हैं। ओके इनट्रांसलेटिव वर्ब, अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट is treated as intransitive verb। यानी ये डेफिनेशन से देखो क्लियर है। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ट्रांसलेटिव वर्ब पढ़े, अब पढ़े ट्रांसलेटिव वर्ब में क्या था कि ट्रांसलेटिव वर्ब में जब वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ता था तो ऐसी स्थिति में वो एक ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ता था जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता था। लेकिन इन ट्रांसलेटिव वर्ब में ऐसा नहीं है। इन ट्रांसलेटिव वर्ब में एक वर्ब, ये भी इसमें भी ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब जुड़ता है, लेकिन इसमें जो वर्ब जुड़ता है वो क्या होता है कि वर्ब एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ता है। देखो वहां पे था इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जबकि यहाँ पे है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पे वर्ब के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, यहाँ पे वर्ब के साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। तो चलो एक एग्जांपल हम लोग ले करके देखते हैं। ओके आई एम गोइंग टू रांची। अब देखो हमारा वर्ब हो गया ये गोइंग। अब हमको चेक करना है कि गोइंग ट्रांसलेटिव वर्ब है या इनट्रांसलेटिव वर्ब है। तो अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, जैसे ये देखो आई एम बीटिंग हुम, हुम आ गया, या आई एम राइटिंग अ लेटर, लेटर आ गया, तो आई एम राइटिंग व्हाट, व्हाट आ गया, आई एम बीटिंग हुम, हुम आ गया। तो व्हाट और हुम जिसमें आता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन इन दोनों को छोड़ करके जो भी डब्ल्यू एच वर्ड आ जाए, वो डब्ल्यू एच वर्ड ये दिखाता है उन दोनों को छोड़ के कि वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और चूंकि देखो आई एम गोइंग टू रांची, तो ये हो गया आपका वर्ब। अब वर्ब से क्वेश्चन क्रिएट करो, आप देखो चेक करके कि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब से किस ढंग से जुड़ा हुआ, किस वर्ड के साथ जुड़ा हुआ। आई एम गोइंग वर्ड तो हो नहीं सकता है, आई एम गोइंग वेयर होगा। और चूंकि ये वेयर होगा तो हम आपको अभी पहले बताया कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो सिर्फ या तो वर्ड लेगा या तो हुम लेगा, जबकि ये ले रहा है वेयर। और चूंकि ये वेयर ले रहा है तो इसका मतलब गोइंग कभी भी ट्रांसिटिव वर्ब नहीं हो सकता है, ये जब भी होगा तो इनट्रांसिटिव वर्ब होगा। क्यों भाई? तो गोइंग के साथ जो रांची है वो किस फॉर्म में है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया? ओके अब एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। चलो आई एम playing in I am playing in the studio। अब फिर से अब देखो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, तो प्लेइंग हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब हमको चेक करना है हम लोगों को कि
कि प्लेइंग के साथ कौन सा ऑब्जेक्ट है। अब देखो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो है एक स्टेडियम नाम का वर्ड। अब ये तो एक ऑब्जेक्ट है, साफ साफ है, लेकिन हम लोगों को ये चेक करना है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अभी याद करो रूल हम बताए थे कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब के साथ जब जुड़ता है तो या तो वर्ड के सहारे जुड़ता है या तो हुम के सहारे जुड़ता है, कुछ इस ढंग से जुड़ता है कि उससे जब आप क्वेश्चन क्रिएट करो तो या तो वर्ड आएगा या तो हुम आएगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो कभी भी वर्ड और हुम नहीं आएगा। इन दोनों वर्ड और हुम को जब भी आएगा तो वर्ड और हुम को छोड़ करके आएगा। तो देखो आई एम प्लेइंग इन द स्टेडियम, अब मैं स्टेडियम में खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग वर्ड तो स्टेडियम की जगह पर हो नहीं सकता है। आई एम प्लेइंग वेयर तो यह आ गया वेयर, और चूंकि ये वेयर आ गया तो इसका मतलब ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और चूंकि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है तो जो भी वर्ब होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ वो होता है हमारा इनट्रांसिटिव वर्ब। क्लियर हो गया? तो आई होप कि आपको ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव वर्ब समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें ट्रांसिटिव इनट्रांसिटिव में कुछ नहीं है, ट्रांसिटिव का काम है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेना, इनट्रांसिटिव का काम है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेना, और ये खेल है पूरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, थोड़ा सा चलो और डीपली देख लेते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ताकि हम लोगों को और अच्छे से ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव समझ में आ जाए। चलो डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब ऑब्जेक्ट होता क्या? ऑब्जेक्ट भाई एक ऐसा वर्ड या ऐसा चीज होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि वर्ब से रिलेशन बनाता है, वर्ब के बारे में बतलाता है, वर्ब कुछ ऐसा होता है जो वर्ब से जाकर के जुड़ा होता है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है एन ऑब्जेक्ट That is directly an object that is directly connected to the verb is called एन ऑब्जेक्ट डायरेक्ट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द वर्ब इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो वर्ब से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जब तक ऑब्जेक्ट वर्ब से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा तब तक हम लोग उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते। लेकिन वर्ब जैसे ही डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा एक ऑब्जेक्ट से तो वो हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं उसे। लेकिन हम लोग सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम लोग पहचानेंगे कैसे? देखो अब इसके लिए एक रूल है, If it is directly connected to the verb, if it is directly connected to the verb, it answers, either for what or whom. Okay, देखो बोलते हैं if it is directly connected to the verb it answers either for what or whom। अगर ये verb से directly connected होगा तो ये कैसे हम लोगों को पता चलेगा? तो बहुत सिंपल सा बात है, अगर ये वर्ब से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो ये या तो व्हाट का आंसर देगा या तो हुम का आंसर देगा। अगर व्हाट और हुम किसी का आंसर नहीं दिया तो समझ जाना कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं। चलो हम एक लोग एग्जांपल लेते हैं। देखो एग्जांपल आई एम वॉशिंग my hand। अब देखो सबसे पहले ये वर्ब, ये रहा हमारा वर्ब
ठीक है। आई एम वॉशिंग वॉट, अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे, रिलेट करोगे अगर वर्ब के साथ, तो आई एम वॉशिंग वॉट, आई एम वॉशिंग, देखो वॉट आ गया ना। अब चूंकि वॉट आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है, ये जो जो वर्ब से जुड़ रहा है, ये किस तरीके से जुड़ रहा है भाई, तो ये वॉट का आंसर दे रहा है और तब जा करके जुड़ रहा है। और चूंकि ये वॉट का आंसर दे रहा है तो ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और चूंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ये हो गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब, देख रहे हो। तो किसी भी वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब होने के लिए आपको दो चीज चाहिए, कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जो आपको उन दोनों में से कोई भी रूल पे अप्लाई हो जाए, यानी कि वो ऑब्जेक्ट या तो व्हाट का आंसर देना चाहिए या तो हुम का आंसर देना चाहिए। अगर इनमें से किसी का भी वो आंसर नहीं दिया तो समझ जाओ कि वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हो सकता। एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, देखो आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ओके। इससे पहले भी हम लोग एग्जाम्पल लिए थे जिसमें था आई एम प्लेइंग इन द फील्ड, अब यहाँ पे है आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो देखो सबसे पहला वर्ब क्या है, ये रहा प्लेइंग, अब उसके बाद हम लोग देखो प्लेइंग व्हाट, फुटबॉल की जगह पे व्हाट आ गया ना इसकी जगह पे, यानी कि वर्ब से कैसे कनेक्ट हो रहा है, तो व्हाट का आंसर देकर के कनेक्ट हो रहा है, और चूंकि व्हाट का आंसर देकर के कनेक्ट हो रहा है तो हमारा वर्ब जो हो गया वो ट्रांसलेटिव वर्ब हो गया, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, देखो आई एम कॉलिंग सुरेश, अब वर्ब क्या है, क्या काम हो रहा है, कॉलिंग का काम हो रहा है, हुम सुरेश, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो किस चीज का आंसर दे रहा है, वर्ब से कैसे जुड़ रहा है, तो हुम का आंसर दे करके जुड़ रहा है। और हम अभी बताए थे कि जो या तो व्हाट का आंसर देता है या तो हुम का आंसर देता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और चूंकि ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस वर्ब के पास है तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ओके। चलिए नॉलेज सॉल्व होमवर्क, टुडे वी हैव लर्नड अबाउट ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द रेस्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। सो नाउ लेट्स हैव द होमवर्क, लर्न द डेफिनेशन, लर्न द डेफिनेशन ऑफ द अबव की words and take three examples of each of your own, okay guys, so bye bye, see you in the next video, till then goodbye.